जैसे कि कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी एविएशन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। रूट प्लान फ्रॉम स्वीडन टू पोलैंड 129 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड और कैसे बच के आया आज हम देखते हैं। उसने दो दफ़ा बोला था कि डी आइसिंग करें और वो हुई। पायलट ने अपने सारे चेक्स डन किए एंड दे टुक ऑफ। गियर अप, गियर अप सिलेक्टेड। पायलट को समझ आ रही थी कि कुछ राइट इंजन में मसला है। आवाज आना शुरू हुई है तो उनको पता चला है कि इंजन राइट जो था वो डाउन हो गया। As his engines fail. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर वही सीरीज के साथ रिपीट कर रहे हैं, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। आज का एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन अगेन फिर से हटके है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे नेचुरली चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी एविएशन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट स्टिल उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आए देखते हैं कि आज क्या ऐसी गलती की और किसने गलती की और कहाँ से गलती आई। आज का टॉपिक होगा फ्लाइट 751 स्कैंडिनेवियन एयरलाइन, रूट प्लान फ्रॉम स्वीडन टू पोलैंड। तारीख है 27 दिसंबर 1991। एयरक्राफ्ट टाइप है MD-81, 129 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड और कैसे बच के आया आज हम देखते हैं। इट वॉज अ न्यू प्लेन, काफ़ी नया एयरक्राफ्ट था और बाहर बहुत ठंड थी। इट वॉज लिटरली स्नो फॉलिंग और ये एयरक्राफ्ट रात को खड़ा हुआ था और पूरी रात उसी टेम्परेचर में खड़ा रहा था और बाहर डिग्री सेल्सियस जो चल रहा था उस वक्त जब एयरक्राफ्ट पे पैसेंजर बोर्ड कर रहे थे, 0 सेल्सियस, -1, -2, ये टेम्परेचर उस वक्त मूव हो रहा था। ऑब्वियसली बात है, जब इस तरह का टेम्परेचर होता है तो कुछ ना कुछ डिलेज आ ही जाते हैं, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये डिले आना ही था। पायलट ने ख़ुद भी डी आइस किया, अपने ग्राउंड स्टाफ को भी बोला दो दफ़ा डी आइसिंग करने को। इस पॉइंट को हम बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। उसने दो दफ़ा बोला था कि डी आइसिंग करें और वो हुई। स्नो वर स्टिल फॉलिंग, बहुत ठंड थी बाहर। पायलट ने अपने सारे चेक्स डन किए एंड दे टुक ऑफ। आफ्टर 25 सेकेंड्स, लगभग 25 सेकेंड के बाद एक आवाज़ आती है और वो इतनी ऊँची आवाज़ थी और वो बार बार आई जा रही है। इट वॉज नॉट लाइक कि एक दफ़ा आ रही है, ये दो दफ़ा आ रही है, हर सेकेंड के बाद वो आवाज़ आई जा रही है। एंड ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पायलट तक महदूद नहीं थी, कैबिन तक भी महदूद थी, जहाँ पे सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो सारे भी सुन रहे हैं। और आपको पता है कि जब एक फ़्लाइट के अंदर आपका जब टेक ऑफ हो चुका होता है, पैसेंजर्स वैसे ही बहुत डर जाते हैं जब ऐसी चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इट वॉज क्वाइट लाउड। पायलट को समझ आ रही थी कि कुछ राइट इंजन में मसला है। राइट आफ्टर दोज मतलब आवाज़ आना शुरू हुई है तो उनको पता चला है कि इंजन राइट जो था वो डाउन हो गया। और अंदर जो कैबिन क्रू बैठी हुई थी, लीड कैबिन क्रू, वो देखती है कि कॉकपिट के अंदर और कैबिन के अंदर एक धुआं सा आना शुरू हो गया है और ये बहुत परेशानी वाला अलामत थी कि एक तो आवाज़, दूसरा ये धुआं, दो चीज़ें अगेंस्ट दी नॉर्म्स जा रही हैं। सडनली होता क्या है कि एक मिनट बाद राइट इंजन डाउन हुआ और राइट आफ्टर 2 सेकेंड, जो उसके 2 सेकेंड के राइट इंजन के डाउन होने के बाद लेफ्ट इंजन भी डाउन हो गया। अब एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्टैटिक मूव कर रहा है, नो इंजन्स, नो पावर, कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ हवा में आराम से ग्लाइड कर रहा है और किसी के पास कुछ समझ ही नहीं आ रही है। पायलट्स भी कंफ्यूज हो गए कि हम करें क्या। पीछे बैठे पैसेंजर्स भी परेशान है कि ना लाइट है, एकदम अंधेरा सा हो गया, हो क्या रहा है इस एयरक्राफ्ट के अंदर। सडनली देखते हैं कि पायलट ने फिर APU यूज़ किया किसी तरह और वो देखते हैं कि टेम्परेचर जो है इंजन का 800 डिग्री सेल्सियस पे जा पहुंचा है, 800 डिग्री सेल्सियस पे। खैर पायलट ने फायर एक्सटिंग्विशर ऑन किया अपना, वो तो जो फायर लगी हुई थी लेफ्ट इंजन में फायर आई थी तो वो उसने वो किसी तरह ख़त्म कर दी। अभी आप अपने स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे विजुअल साथ साथ क्या हो रहा था। पायलट ने ATC को कॉल किया एंड रिक्वेस्ट की दैट वी आर इन दिस इमरजेंसी। ATC ने कहा कि आप 180 डिग्री मूव करें और वापस आएँ, बट विद नो इंजन ऐसा पॉसिबल था ही नहीं कि वो 180 डिग्री को एंगल से अपने प्लेन को टर्न करते और वो वापस आ सकते। इट वॉज इम्पॉसिबल टू लैंड बैक। तो उन्होंने क्या देखा, एक थर्ड पायलट बैठे हुए थे एज अ पैसेंजर, ही केम इनटू एक्शन और उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमें किसी दरमियाने एरिया में ही लैंड करना पड़ेगा। अब जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी, 1600 फीट की बुलंदी थी और
प्लेन आराम से जाई जा रहा है, बट दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अब हम लैंड कहाँ पे करें। दूर दराज वो देखते हैं कि एक एरिया था जहाँ पे सॉफ्ट स्नो थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करते हैं, क्योंकि आप वापस जा नहीं सकते हैं, आप आगे भी जा नहीं सकते हैं, आप राइट भी नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एक ही जवाब रह जाता है कि आपको यहीं पे लैंड करना है। और वो एरिया कौन सा है? फॉरेस्ट, दरख्त ही दरख्त हैं, और दरमियान में कुछ स्नोई पैच था जहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम वहीं पे लैंड करेंगे। दे डिसाइडेड टू लैंड, और आहिस्ता आहिस्ता वो लैंड होते हैं। तो जब वो लैंड होते हैं तो देखते हैं एकदम क्रैश हुआ, सब लाइट्स ख़त्म हो जाती है, एयर क्रैश, इट वॉज एन एयर क्रैश लैंडिंग। पीछे पैसेंजर्स को बता दिया गया था, कैबिन क्रू रिपीटेडली कह रही थी कि बेंड डाउन बेंड डाउन। इसका एक प्रोसीजर होता है, अभी आप मेरे विजुअल में देख रहे होंगे, जब क्रैश लैंडिंग होनी होती है तो आपको इस तरह ऐसे बैठना पड़ता है। अभी आप अपने विजुअल्स में भी देखेंगे कि आपको बेंड होके बैठना पड़ता है। इसी तरह हुआ, ऐसे ही प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब भी क्रैश लैंडिंग की नोयत आती है तो कुछ SOPs हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आप हर फ्लाइट से पहले आप देखते होंगे कि एयर क्रू आती है और वो आपको गाइडलाइन देती है कि हंगामी हालात के दौरान आपको बीच की पट्टी को फॉलो करना है। वो सारी इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होती है, और वो इंस्ट्रक्शन इन पैसेंजर्स को काम आ गई। एयर लैंड होता है, एयरक्राफ्ट के तीन हिस्से हो चुके हैं, वो फ्यूजेलाज जो था, जैसे कि आप देख सकते हैं तीन हिस्सों में एयर क्रैश बढ़ चुका है। मगर सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि फिर इस क्रैश में क्या हुआ, अब ऐसा हुआ क्या कि ये मसला आ गया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि जो टाइटेनियम इंजन के अंदर होता है वो अमूमन तौर पर आराम से फायर कैच नहीं करता। It takes a high pressure, मतलब बहुत high pressure होगा तो उसको आग लगती है, otherwise उसको आग नहीं लगती, ना ही वो bend होता है। तो ऐसा हुआ क्या कि इतना pressure आ गया? तो investigation team ने अपना जो रूट था लेके चलते रहे और पता चला कि obviously मैंने बताया कि DC-9 का इंजन जो था वो सर्ज कर गया था। अब जब सर्ज होता क्या है ये अब आपको बताते हैं। सर्ज ऐसा होता है, एयरक्राफ्ट का इंजन अभी आप देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पे, इसका एक फ्लो पैटर्न होता है, फ्लो पैटर्न के हिसाब से एयर पीछे जानी होती है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर एयरक्राफ्ट के इंजन को मूव करता है। अब सर्ज की अलामत ये थी कि वो रिवर्स फ्लो होना शुरू हो गया था, जो एयर अंदर जा रही थी, जब वो रिवर्स फ्लो हुआ है तो सारी जो इग्निशन थी वो अंदर आ रही थी, फ्लेम भी अंदर आ रहा था, अब इसकी वजह से वो सर्ज होना शुरू हो गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि जो इनलेट ब्लेड था, जो फ्रंट फैन ब्लेड होता है, उसको भी कोई डैमेज पहुंचा हुआ था, तो उनको वहां से पता चला कि कुछ बाहर से अंदर आया है इंजन के अंदर, जो मसला खड़ा हुआ है। तो उन्होंने दोबारा से सारा प्रोसीजर देखा कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी कि हुआ क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू एंड उन्होंने एक अजम्पशन लगाई कि बाहर, मैंने आपको बताया, बहुत ठंड थी, इट वॉज लिटरली स्नोइंग, और 0 degrees Celsius का मौसम था। तो उन्होंने देखा कि क्या ये वजह हो सकती है। वहाँ पे पता चलता है कि अभी आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे कि एक आइस की लेयर जम गई थी ऊपर, हालांकि इन्होंने 2 दफ़ा डी आइसिंग की थी, और एयरक्राफ्ट का जो टेक्नीशियन था, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज होती है जो ये काम करती है डी आइसिंग का, ग्राउंड हैंडलिंग आया है, अभी आप ये देखें इस तरह चेक किया ऐसे, तो उसने देखा कि इट वॉज फाइन, अब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्लियर थी, मगर उसको ये समझ नहीं आई कि वो आइस इतनी क्लियर थी, क्रिस्टल क्लियर थी कि वो हालांकि 1 inch ऊपर थी बट उसको वो नज़र ही नहीं आई क्योंकि आइस वॉज क्वाइट क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपनी कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते, येट स्टिल आपको देखना चाहिए था कि ये आइस फॉर्म, ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है एज अ टेक्नीशियन, एज एन इंजीनियर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि ये आइस है या फिर ये लेयर है या फिर ये लिटरली विंग का सरफेस है। यहाँ पे एक गलती हुई कि उन्होंने डी आइसिंग करते हुए, जब उन्होंने 2 दफ़ा डी आइस कर दिया, अब ये SOPs थे, उन्होंने एक प्रोसीजर फॉलो किया कि 1 दफ़ा डी आइसिंग करनी है, 2 दफ़ा डी आइसिंग करनी है, उसके बाद ख़त्म, जो प्रोसीजर में लिखा था उन्होंने वो कर दिया, बट दे डिडंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट नेचर केम आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप कुछ सोच रहे हैं, हो कुछ रहा है इधर। अच्छा, डी आइसिंग करते हुए 850 liters ऑफ हॉट फ्लूइड वो थ्रोन ऑन द एयरक्राफ्ट, बट स्टिल दे कुडंट, ऑब्वियसली वो आइस नहीं डी आइस हुई थी, तो ये इसकी सारी वजह बनी। इसी तरह हुआ कि उन्होंने टेक ऑफ किया, वो आइस का पैच उतरा, इंजन में गया, इंजन को सर्च किया, और ये सारा चीज़ हो गया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, नेचुरल कॉज तो आ गई, मगर एक और गलती इसमें मिली। इस
ये एक न्यू एयरक्राफ्ट था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, और इसके अंदर एक न्यू सिस्टम था। उस सिस्टम का नाम था ऑटोमेटिक थ्रस्ट रिस्टोरेशन, ATR, ऑटोमेटिक थ्रस्ट रिस्टोरेशन। अच्छा, ये इन्होंने ना न्यू इंस्टॉल किया था इस जहाज पे, एंड सरप्राइजिंगली ना पायलट को पता था, ना ही स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस को पता था कि ये सिस्टम है क्या। इस सिस्टम से होता क्या है, जब आपका इंजन सर्ज होता है तो वो आप पायलट रेगुलरली थ्रॉटल को पीछे लेके आ रहे थे पावर कम करने के लिए। इट्स एन SOP फॉर पायलट्स, जो पायलट हजार आते हैं वो ये देख रहे होंगे, उनको पता चल जाता है कि जब इंजन सर्ज होता है तो आपको पावर रिड्यूस करनी पड़ती है। अच्छा, उन्होंने पावर रिड्यूस की, अपने प्रोसीजर्स फॉलो किए, बट इस ATR की वजह से वो पावर वापस रिस्टोर्ड हो गई, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट का इंजन सर्ज कर गया। अब आखिरी चीज़ ये है कि अगर आप कुछ न्यू चीज़ डालते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कम्युनिकेट करें। रिपीटेडली मैं कहता आ रहा हूँ कि अपनी कंपनी में अगर अच्छा कल्चर लेके आना है तो कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज टू सक्सेस। कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। आज का ये टॉपिक हम लेके आए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, एयर सियाल का इंटरव्यू वुड बी ऑन बोर्ड। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, and wait for the new air crash investigation. Thank you and Allah Hafiz.